हाँ जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल के उत्ते। अज भी आप गल करनी है, चाहे स्पाउसल अपॉइंटमेंट हो, चाहे एल एम आई ए अपॉइंटमेंट वाले हो, चाहे कोई भी कैटागरी हो जी हैगी आपके फाइल के फंड शो करती है ना। अज मैंने एक वीर का फोन आया तो मैसेज आया, सब तो पहला कहना वीर मेरी रिफ्यूजल आई है ना कि स्पाउसल अपॉइंटमेंट दी, कि मेरे जो फंड रिलेटिड जी है कैनेडा एम्बेसी ने जी मैंने रिफ्यूजल दी है, तो मेरे जो फंड ने वो 5 साल जोड़े है पुराने से, बट फिर भी मैंने जी है कैनेडा ने एम्बेसी ने जी रिफ्यूजल दे दी। यदा की रीज़न हो सकता कि फंड 5 साल पुराने होने के बावजूद भी जी है जो रिफ्यूजल मिली है उस एप्लीकेंट की गलती है या फिर एक वीज़ा ऑफिसर की गलती है, वह सारी गल सा जी शेयर करूँगा। तो मैं सुनू कहूँगा कि वीडियो शुरू तो लैकन तक जरूर देख लियो, वीडियो छोटी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो हूँ आप जी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला जेकर मैं गल करता उस वीर की, उसने 5 साल पुराना वह फंड से बट उन्होंने फिर भी रिफ्यूजल देखने को मिल गई। देखो सब तो पहला सुनो एक चीज़ क्लीयर करूँगा, थोड़ी जिनी प्रॉपर्टी हैगी है, जिनी थोड़ी इनकम हैगी है, तुम उस हिसाब से जी है इनकम शो करनी है जो कि थोड़ी जेन्यून होनी चाहिए है। तो मैं नहीं सुन कहूँगा कि तुम बाकी एजेंटा पिछले ला के 10-20 लाख रुपया इकट्ठा करके एकदम अकाउंट से पवा के फिर 6 महीने वेट करो, फिर अपनी फाइल लगाओ, आपकी जेन्यून जो है फंड शो करोगे तो थोड़े रीसेंट फंड भी जो चल जाते हैं जिमें जे फॉर्म के थ्रू जाते हैं गए, तुम कुछ बिजनेस करते हो बिजनेस के थ्रू अकाउंट के आते हैं, कोई भी जॉब करते हो जॉब के थ्रू जाते हैं, वो जो पैसे ने वो जो है कैनेडियन एम्बेसी आप एक्सप्लेन कर दें, देखो जी इस पैसे साढ़े कितों आए हैं। तो सैकेंड गल मैं उन्होंने करदा जी जिमें 6 लाख पवा लिया, वो काफ़ी टाइम लिए होल्ड कर देंगे अपने फंड, तो इस तो बाद जी है अपनी फाइल लगाते हैं। देखिए मैं उन्होंने एक चीज़ कहना चाहूँगा, तुम 6 लाख पाया तो वो पाया कितों, ये तो इन्ना क आपको एम्बेसी जी है चीज़ दसनी पेगी है ना, कि हूँ तुम मान लो जे फॉर्म कटवाने है ना 6 महीने बाद कटवाने, देखो मान लो हूँ इस टाइम उत्ते कणक के जे फॉर्म कटे गए, वो जे फॉर्म ने जोड़े है तुम हूँ फाइल लगाने अगले मंथ तो जे फॉर्म जोड़े शो करोगे, बट जेकर थोड़े लिए मान लो उस दे मतलब तुम सीधे पैसे पवा रहे हो तो थोड़े लिए कोई भी जो प्रूफ उसका नहीं है, तुम किस तो गिफ्ट ला लिया किस तो इधरों उधरों पवा ले फड़ के, तो वह थोड़े लिए जेन्युइन जिहड़ा एक मतलब कि सोर्स नहीं है, इस करके उस प्रॉब्लम आती हैगी, उस चीज़ को ध्यान में रखो तो जेन्युइन फंड शो करो। हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं जिहड़े 5-5 साल 4-4 साल पुराने फंड हो गए हैं। देखो तुम मेरी गल सुनो, जो आप कैनेडा में जाना गा तो आप कैनेडा में जा रहे हैं तो आप वीज़ा ऑफिसर में यह शो करना कि असं कैनेडा के जो भी साडा मकसद है जाने का उसको कंप्लीट करने तो बाद जो है असं इंडिया वापस आना गा। हूँ उस 5 साल पुराने फंड कर दो चाहे 4 साल पुराने फंड शो कर दो है ना, तो उस जी है जो तुम स्टेटमेंट शो कर रहे हो किन एंट्रियां सुडिया घूमिया हुई है, किन्ने पैसे तुम कमा रहे हो पिछले टाइम के सारिया चीज़ा देखी जाएगी। हूँ तुम जो मान लो 10 लाख 10 साल पहला पवाया होगा तो वो 10 लाख है जो इस टाइम के उत्ते तो नहीं शो कर रहा है कि हाँ जी थोड़े पैसे कितों आए हैं ना, तुम इस टाइम के उत्ते जो है कुछ पैसे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हैं, तुम क्यों जो वापस आओगे, तो उस चीज़ में कह रहा कि कितने ना कितने एम्बेसी ने यह चीज़ शो करो कि साढ़े वो पैसे कितों आए हैं, तो असं हूँ भी जो है इस टाइम के उत्ते जो है वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई साडा जो काम चल रहा है साढ़े पैसे आ रहे हैं गे, तो वो चीज़ शो करनी बहुत जरूरी होंगी, उस दे नाल जिहड़ी हैगी फाइल बहुत ज़्यादा जी स्ट्रोंग हो जाती हैगी। तो 5 साल या 10 साल फंड शो करने नालों चंगा यही है कि तुम चाहे रीसेंट फंड शो कर दो बट तुम जो है अपने फंड जो एक जेन्युइन फंड शो कर दो, तुम्हें बिल्कुल भी जी प्रॉब्लम नहीं आनी थोड़ी फाइल के है ना। जो तुम पुराने फंड लैके चलते हो तो उस भी कितने जेन्युइननेस घट जाती है, हमने मान लो तुम 6 महीने पहला फंड शो किए, इस बाद स्टेटमेंट लगाती, स्टेटमेंट से कितों तुम्हारे पैसे आए नहीं कितों तुम्हारे पैसे गए नहीं, तो वीज़ा ऑफिसर उतों खुद समझ जूगा कि यार भी यह जो है जस्ट उन्हें फाइल लाने वास्ते फंड शो किए हैं तो ये फंड आए नहीं। हाँ, मैं यही कह सकता कि हाँ जी थोड़ा केस बिल्कुल नहीं निकलूगा, निकल सकता है, वीज़ा ऑफिसर से डिपेंड है, कुछ जेन्युइन फंड्स में भी रिफ्यूजल देखने को मिल जाते हैं, कुछ जो सही फंड नहीं होंगे है जो इधर उधर लैके पाए हैं उन्होंने भी अप्रूवल देखने मिल जाते हैं, बट उस जो चांसिस घट जाते हैं। मैं तो सुनो सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि अपने कदम भी जो है दो पासे लैके नहीं चलने, आप अपनी फाइल में स्ट्रोंग लैके चलना गा, जी चीज़ अपनी फाइल वास्ते स्ट्रोंग आप खुद वीज़ा ऑफिसर की थान पर बह के सोचना कि जेकर साड़ी आह फाइल में कमी है तो साड़ी आह चीज़ आ सकती है ना, बाकी जेकर वीज़ा ऑफिसर ने उस रिफ्यूजल देती तो थोड़ी कोई गलती नहीं, उस नाराज होने की जरूरत नहीं, केप्स नोट पाओ, देखो कितने वीज़ा ऑफिसर थोड़ी गलती लगी तो उस चीज़ को कंप्लीट करके एम्बेसी के फाइल लगा दो। तो सुटना यही डाउट क्लीयर करना सी, 5-10 साल फंड पुराने होने वाला कोई फायदा नहीं है, न्यू फंड ला लूंगे तो भी थोड़े अप्रूव हो जूगी, पर थोड़े फंड ने जो जेन्युइन होने चाहिए ने। आधी वीडियो किमें लगी जरूर दस्यो ना, तुम्हें कुछ समझ आया जो कुछ नहीं समझ आया तो भी मैंने जरूर दस्यो, तो सिर्फ सुटना यही सब कुछ शेयर करना सगा, जेकर वीडियो लगी तो वीडियो जरूर लाइक करके जाए, सब्सक्राइब कर दियो। ओके जी, थैंक यू।